हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर नगेंद्र थालोर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक के अलावा चेस्ट पेन के पांच ऐसे कारण जो जानलेवा होते हैं, जिनमें सडन डेथ हो सकती है। सबसे पहला कारण है एरोटिक डिसेक्शन। अरोटा हार्ट की एक मोटी और बड़ी आर्टरी होती है जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। एरोटिक डिसेक्शन का मतलब है अरोटा की जो लुमेन है, अंदर की साइड है, उसमें से उसकी जो लेयर है वो रैप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, और जो ब्लड है वो नॉर्मल रूट में जाने की बजाय वो लेयर्स के बीच में जाने लग जाता है, जिसके कारण पेशेंट को एकदम चेस्ट पेन चालू होता है। वो चेस्ट पेन आगे से पीछे की तरफ जाता है, उसका बीपी एकदम कम आ जाता है, सेचुरेशन कम हो जाता है, और उसको कई बार न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है, पैरालिसिस भी हो सकता है। एरोटिक डिसेक्शन को डायग्नोसिस करने के लिए पेशेंट का एक्सरे किया जाता है, इको किया जाता है, सीटी एरोटोग्राम किया जाता है और एमआरआई भी किया जाता है। एरोटिक डिसेक्शन को मैनेज करने के लिए या तो सर्जरी की जाती है या फिर मेडिसिन से उसको मैनेज किया जाता है। दूसरा कारण है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब है लंग्स को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती हैं उनको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, और जब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट जाके वहां पे ब्लॉकेज कर देता है तो लंग की सप्लाई रुक जाती है। ये क्लॉट मेनली पेट से आता है, जहाँ एक डीवीटी की प्रॉब्लम जिनको रहती है, वहां पे एक ब्लड का टुकड़ा है वहां से टूट के और वो पल्मोनरी आर्टरी में आके वहां पे रुकआउट कर देता है, जिसके कारण चेस्ट पेन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सिनकपी हो सकती है, और कई बार खांसी के साथ में या कफ के साथ में ब्लीडिंग हो सकती है। पेशेंट का जो टैकिकार्डिया हो जाता है, बीपी कम हो जाता है। डायग्नोसिस करने के लिए उसका ईसीजी किया जाता है, इको किया जाता है, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी जो इसके लिए सबसे बढ़िया टेस्ट है। एम्बोलिज्म को ट्रीट करने के लिए एंटीकोगुलेंट मेडिसिन यूज की जाती है जो क्लॉट को डिजोल्व कर देती है, और यदि बहुत ज्यादा बड़ा क्लॉट है, पेशेंट ज्यादा सीरियस है, तो कई बार कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस किया जाता है, यानी जो कैथेटर डाल के और जहाँ पे क्लॉट है वहां से उसको क्लॉट को निकाला जाता है ताकि पेशेंट को रिलीफ मिले। तीसरा कारण रहता है पेरिकार्डियल टैम्पोनेंट, यानी हार्ट के चारों तरफ सडन पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को चेस्ट पेन है, सांस लेने में दिक्कत है, उसका बीपी गिरना, टेकिकार्डिया होना, ये सारी प्रॉब्लम होने लग जाती हैं। कार्डियक टेम्पोनेंट को पहचानने के लिए इको कार्डियोग्राफी सबसे बेस्ट टेस्ट है, और जैसे ही इसका पता चलता है पेरिकार्डियोसेंटेसिस किया जाता है, यानी जो हार्ट के चारों तरफ पानी है उसको निकाला जाता है ताकि पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। चौथा कारण रहता है टेंशन न्यूमोथोरिक्स। लंग्स के चारों तरफ जो स्पेस रहता है, जिसको पल्यूरल स्पेस बोलते हैं, वहां पे एयर इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण जो लंग है वो कंप्रेस होता जाता है और पेशेंट को एकदम चेस्ट पेन होना, सांस में दिक्कत होना, ये चालू हो जाता है। और जैसे आप स्टेथ लगा के सुनेंगे तो वहां पे उस एरिया में आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देगी, और इसके लिए बेस्ट टेस्ट है एक्सरे। जैसे आप चेस्ट एक्सरे करेंगे उसमें क्लियर कट न्यूमोथोरिक्स का पता चल जाएगा। इसको ट्रीट करने के लिए आपको वहां पे या तो नीडल डालनी है या फिर चेस्ट ट्यूब डाला जाता है ताकि जो एयर है वो सारी बाहर आ जाए और लंग जो है वो वापिस एक्सपांड हो जाए और पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। पांचवा कारण रहता है इसोफेजियल रेप्चर। इसोफेजियल रेप्चर बहुत रेयर है, ये कम होता है, लेकिन ये जानलेवा है। ये मेनली गले में कई बार जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट डालते हैं या कोई जांच करते हैं उसके बाद में हो सकता है, जैसे कोई एंडोस्कोपी की जांच करी या कोई स्ट्रिक्चर हो तो उसका डायलिटेशन करा है, और कई बार ये जैसे बहुत तेज खांसने से या वोमिटिंग करने से भी रेप्चर हो जाता है। ये रेप्चर होने से जो स्टोमेक की कंटेंट है वो यहाँ पे रिलीज हो जाती है और जो काफी इन्फेक्टिव रहती है, पेशेंट को एकदम से चेस्ट पेन चालू हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और जो चारों तरफ गले के चारों तरफ सूजन आ जाती है और हाथ लगाने से कटकट की आवाज आती है, जिसको सब कुटियानियस एम्फाइसिमा बोलते हैं, और इसको ट्रीट करने के लिए सर्जरी की जाती है या फिर एंडोस्कोपी के द्वारा भी इसको ट्रीट किया जाता है। तो ये पांच कारण ऐसे हैं जिनमें पेशेंट को सडन चेस्ट पेन चालू होगा और पेशेंट एकदम से उसकी कंडीशन है खराब होती जाएगी, और यदि करेक्ट डायग्नोसिस नहीं हो सका तो वो पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसलिए जैसे ही पेशेंट आता है इमरजेंसी में एक्यूट चेस्ट पेन, यानी अचानक से उसको चेस्ट पेन चालू हुआ, तो हार्ट अटैक सबसे कॉमन कारण है, लेकिन हार्ट अटैक के अलावा ये पांच कारण भी हैं जो कि जानलेवा हो सकते हैं, इसलिए इनको भी जरूर इनका अपने माइंड में रखें।